भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री लालजी यादव ने मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से 28 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा, जिसका शुभारंभ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह के द्वारा मऊ जनपद से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र के सभी जनपदों में अलग अलग तिथियों में ट्रैक्टर रैली का आयोजन निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान मोर्चा यह बताने का प्रयास करेगा कि प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और वास्तव में भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में आने के बाद से ही प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के ऋण को माफ करके किसानों के प्रति अपना वादा पूरा किया तथा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हित में अनेकों लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिसको जन-जन तक पहुंचाते हुए किसान मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली निकालकर जन जागरण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री लालजी यादव ने कहा, किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? आज की प्रेस वार्ता पूरे प्रदेश में किसान मोर्चे के द्वारा जो ट्रैक्टर रैली पर जो है हम लोगों का कार्यक्रम होना है, आज 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक हर जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। वो भी ट्रैक्टर रैली जितने ट्रैक्टर पर लोग आएंगे किसान होंगे और किसानों के द्वारा जो है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा प्रदर्शन हमारे विपक्षियों के उनको जवाब देने के लिए नहीं है, हमारा प्रदर्शन है कि हम योगी और मोदी की सरकार में जो हम लाभ पाए हैं, जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के द्वारा, उन्हीं के ऊपर जो है मेरा फोकस होगा। और ये 10 किलोमीटर के रेंज में हमारा जो है ट्रैक्टर रैली होगी। हमारे जो सर जो है जिले में कहीं भी जाम लगने की समस्या नहीं आने पावे, इस नाते परमिशन और ऐसी चीज़ सुविधा जो है हमारे दोनों जिलाध्यक्ष लोग हैं, एक जिलाध्यक्ष जी कहीं बाहर हैं, उनके महामंत्री जी हैं, हमारे महानगर के जो है जिलाध्यक्ष जी हैं, हम लोग बैठ करके जहाँ सुविधाजनक हो, शहर में जाम की जो है समस्या नहीं आने पावे, वहीं पर हम लोग ट्रैक्टर रैली का अपना आयोजन करेंगे, परमिशन लेंगे और शांतिपूर्वक अपना हम जो है अपने चीज़ों को दिखाएंगे कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हमारी प्लानिंग है, हर ट्रैक्टर पर कुछ न कुछ योजनाओं के बैनर लगे रहेंगे। और जहाँ से हमारी शुरुआत होगी वहाँ पर एक सभा होगी, उस सभा में हमारे जो वक्ता आएंगे प्रदेश स्तर के हमारे नेता होंगे, वो हमारी नीतियों को जो आने जो है हमारे 400-500 जो है लोग आएंगे ट्रैक्टर में, उनको हमारी भारत सरकार की नीतियों के बारे में, प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा दी जाएगी। उनको कुछ स्लोगन भी दिए जाएंगे, पेपर्स दिए जाएंगे किसानों को कि हमारी ये जो है सरकार की नीतियाँ हैं। इसके बाद जो है समापन भी हमारा वहीं पर होगा, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम होगा, वहाँ पर एक व्यवस्था दे करके सबको जो है नमस्कार करके बढ़िया से उनको भेजा जाएगा। हमारी सरकार जिस दिन आई है उसी दिन किसानों के लिए ही चरणबद्ध ढंग से किसानों की ऋण माफ़ी किया गया, किसानों के लिए जो है उनकी बीमा योजना की गई। किसान का आज तक किसी सरकार के द्वारा कभी भी किसान को कोई पेंशन नहीं दिया गया, हमारी सरकार के द्वारा उनको जो है 6,000 रुपये सालाना का जो है पेंशन देने का कार्य किया गया। उनकी और भी नीतियों पर हम जब तक चुनाव में जाएंगे उसके पहले तमाम किसानों के ऊपर हमारे फोकस सरकार की है, उन नीतियों का जो है हम विस्तृत से जो है हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा होगी और हम फिर जो है चुनाव में जाएंगे। मिशन 2022 को लेकर क्या तैयारी, किसानों को कितना रोल होगा चुनाव में? 100% रोल किसानों का ही है। हमारे किसान के लिए जो भी योजनाएं हैं प्लानिंग है, हम DAP जो है 1200 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन कुछ दलालों के द्वारा उसको 1220 रुपये किया गया, कहीं 1400 रुपये किया गया। हमारे किसान मोर्चा के लोग वहाँ पर जा करके इसके लिए जो है एक कमर कस करके अधिकारियों को सूचना दिए, वो 1200 रुपये का जो है हम किसान के रूप में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे किसानों के बीच के लोग जो नेता हैं, आने वाले समय में विधानसभा में भी चुनाव के उम्मीदवार होने वाले हैं, जो हमारे किसान का नेता है,
जो हमारे किसान आंदोलन में कार्य करने के लिए किसानों के प्रति जो है सजग है, उसको जो है सरकार जो है विधानसभा से लेके कहीं न कहीं जो है कार्य करने का जो है आशीर्वाद भी देने जा रही है। हर कार्यकर्ता मेरे यहाँ नेता है। भारतीय जनता पार्टी जो है नेता पैदा करती है बूथ स्तर से। हमारा कार्य है बूथ स्तर के हमारे नेता पैदा किए जाएं, हमारे नेता जो है किसानों के बारे में हमारी जितनी सरकार की नीतियां उनको जन जन तक पहुंचाएं, यही हमारे कार्य हैं। इसी कार्यों को लेकर के हम जो है 2022 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। ट्रैक्टर रैली कब से प्रारंभ होगी? आज के दिन से उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी द्वारा आज मऊ में ट्रैक्टर रैली का उद्घाटन किया जा रहा है निकाल करके। आज के दिन से हमारे प्रदेश में किसी न किसी जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और यहाँ की भी सूचना जो है आप लोगों को दी जाएगी। हमारे यहाँ बैठक हो रही है, तिथि हम लोगों की जो है एक दिन दो दिन में अभी आपको जो है सूचना टेलीफोन के द्वारा दे दिया जाएगा। हमारी ट्रैक्टर रैली हर जिले में निकलेगी और एक अच्छे ढंग से। ऐसा ट्रैक्टर रैली नहीं होगा कि जा करके हमारे लाल किले पर आक्रमण करे। हमारी ट्रैक्टर रैली एक जो है संस्कारवान ट्रैक्टर रैली होगी, अनुशासित ट्रैक्टर रैली होगी। उसमें किसान होंगे, किसान का साफा होगा, किसान की पगड़ी होगी, किसान का झंडा होगा और हर ट्रैक्टरों पर किसान के लिए दी गई जो योजनाओं और प्लानिंगों के बैनर लगे रहेंगे। ये हमारी जो है ट्रैक्टर रैली के द्वारा हम आगे चुनाव में हम जो उतरने जा रहे हैं इसी की जो है संकेत है।